फाइनली जिस अनाउंसमेंट का हम सबको इंतजार था वो हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे इंडिया के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं डॉन 3 में। जी हाँ, आपने देखा कि पहले ही डॉन फ्रेंचाइज में अमिताभ बच्चन थे, उसके बाद शाहरुख खान और फाइनली अब नए दौर के डॉन बनेंगे यहाँ पर रणवीर सिंह। तो ये डॉन का एक नया इरा है जिसमें हमें इंडियन सिनेमा के मतलब फाइनेस्ट एक्टर रणवीर सिंह डॉन के अवतार में देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो कि हर रोल में पूरी तरह से छा जाते हैं, फिर चाहे वो पद्मावत में खिलजी का अवतार हो या फिर लुटेरा में एक साधारण से इंसान का अवतार हो। मतलब कि रणवीर सिंह ऐसे एक्टर हैं जो हर एक कैटेगरी में अपना बेस देने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर डॉन एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म है, तो इस फिल्म में रणवीर सिंह फिर से ऑडियंस का दिल जीतने को तैयार है। अब आप सब जानते हैं कि हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड सपोर्ट सीरीज बनती है जहाँ पर हर एक नए पार्ट में एक नया हीरो देखने को मिलता है, उसी तरह अब डॉन की भी ऐसी फ्रेंचाइजी होगी जिसमें हर एक नए सीरीज में हमें एक नया हीरो देखने को मिलेगा। तो इस बार रणवीर सिंह कहीं ना कहीं शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की जो लेजेसी है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि अब जहां शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन डॉन थे, अब रणवीर सिंह कैंसर डॉन बन गए। तो आपको याद हो कि जब अमिताभ बच्चन की डॉन का रीमेक अनाउंसमेंट हुआ था और सबने कहा था कि अब शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बराबर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन शाहरुख खान ने भी काफी अच्छा काम किया था। उसी तरह भरोसा रखिए, रणवीर सिंह भी यहां पर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का जो काम था उसके लेवल का काम 100% देने वाले हैं। और वैसे भी यहां पर बदलाव ही संसार का नियम है, मतलब कि कुछ नया नहीं आएगा तो ऑडियंस पुराने हीरोज को एक ही फिल्में देख देख के वैसे भी बोर हो जाएंगे। तो यहां पर रणवीर सिंह पूरी तरह से अपना 100% देने वाले हैं डॉन 3 में। तो यहां पर रणवीर सिंह को डॉन के अवतार में देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर पर 100% भरोसा है, क्योंकि फरहान अख्तर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने एक्टर से 100% निकलवाने के लिए जाने जाते हैं। क्या सोचता उन्होंने डॉन 1 और डॉन 2 में शाहरुख खान से उनका बेस्ट निकलवाया था। और यहां पर हम गारंटी देते हैं कि रणवीर सिंह से भी फरहान अख्तर बेस्ट काम करवाएंगे, क्योंकि अगर फरहान अख्तर एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर है। उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्म डायरेक्ट की है वो सभी बॉक्स ऑफिस पर तो सक्सेस रही है, साथ ही साथ उन फिल्मों को ऑडियंस ने भी भरपूर प्यार दिया है। तो यहाँ पर जनता तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की जोड़ी को डॉन 3 में देखने के लिए, और मुझे भी उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। वैसे भी इसका अनाउंसमेंट ही इतना सॉलिड है तो सोचिए कि फिल्में कितने ग्रैंड लेवल की बनने वाली हैं। बाकी डॉन 3 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर